एक बार साथ हो के यस सभी सामने एक बार सातों के सामने देखो यस श्री राजेश कुमार भारद्वाज जी मेंबर्स ऑफ प्रेस एंड ऑल द पीपल फ्रॉम वेरियस कंपनीज प्रिंसिपल विमला सिरोही जी members of press and all the people from various companies I humbly welcome you all the eminent guests and all the participators from different walks of life today you all have come here to share your महाभारती को प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ मंचा सिंह आज की मेरी मुख्य अतिथि हमें हौसला बढ़ाने वाले और हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं हमारे बीच अतिरिक्त उपायुक्त महोदय श्री मनप्रीत सिंह जी जो आप समग्र शिक्षा जो अभियान है उसके कैथल जिले के आप चेयरपर्सन भी हैं। मैं नमन करता हूँ हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री रविंद्र चौधरी जी जो DPC का भी जिनको चार्ज मिला हुआ है श्री बिमला देवी जी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चिपोली अड्डा मेरे बड़े भाई अमित लोहित जी बलजीत जी APC जो हमारे वरिष्ठ APC हैं कुशल शर्मा जी सभी BDs सभी कंपनी से आए हुए सभी मेरे भाई और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों आज मैं 7वीं शताब्दी का भारत अपने सामने देख रहा हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना आज मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ जिन्होंने देखा था कि मेरे बच्चे जब 12वीं कक्षा करके बाहर निकलेंगे तो एक विश्वास के साथ निकलेंगे एक स्किल एक कला अपने साथ लेकर निकलेंगे तो आज उसी के संदर्भ में आज का जो ये मेला है आज का जो ये रोजगार मेला है उसके बारे में कुछ बातें अपने अधिकारियों के सामने रखना चाहता हूँ। मान्यवर ये जो रोजगार मेला है अपना जो कौशल रोजगार अभियान चला हुआ है पूरे विश्व भर पूरे देश भर में हमारे जिले कैथल में 2012-13 में ये स्टार्ट हुआ था और आज स्टार्ट होने के बाद 2022-23 तक लगातार और अनवरत रूप से चल रहा है जिसमें हमारे कैथल जिले से हजारों बच्चे पास करके अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज का जो मेला है इसमें 12वीं कक्षा के पास आउट बच्चे 2021-22 के जिन्होंने
480 विद्यार्थियों ने आज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। हमारे कटनी जिले में 78 विद्यालय है जिनमें 14 ट्रेड स्किल की चली हुई है और आप सबको बताकर मैं बड़ा खुशी का अनुभव महसूस कर रहा हूँ कि इसी वर्ष से एक इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रकार की स्किल भी हमारे यहाँ पर ऐड हो रही है एनएसक्यू में, जो आने वाले समय में बच्चों के बड़े काम आएंगे। आज अपने पूरे जिले में कैथल जिले में 141 वोकेशनल टीचर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कैथल जिले में लगभग 12,500 विद्यार्थी इस सत्र में 2022-23 में इस समय एनएसक्यू करके ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपकी गुड मॉर्निंग में तो काफ़ी अच्छा जोश था, इसमें काफ़ी अच्छा लगा, तो यही जोश मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जॉब फेयर में आप लोग दिखाएंगे और इसे जो है एक सक्सेसफुल बनाएंगे। देखिए एनीवे एजुकेशन का पर्पस तो खैर कभी भी बंदे को जॉब प्रोवाइड करना तो नहीं रहा है, उसका पर्पस तो यही रहा है कि बंदे को एम्पावर करना, उसे सोशली कैपेबल बनाना कि भी समाज में कैसे वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकता है। बट ऑब्वियसली जॉब भी उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो है ही है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो आमदनी का साधन चाहिए, तो जॉब भी जो है एक तरह के इंसिडेंटली एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो उसी डायरेक्शन में जो है ये हरियाणा सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम ये जॉब फेयर्स कंडक्ट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें जलकर बुझना आता है, बुझकर जलना आता है, जो अपनी ही किस्मत लिखते हैं अपने ही हाथों, उनको हर महफिल का अंदाज बदलना आता है। तो आज हमारे टीचर्स ने यहाँ पर आके हमारी महफिल का अंदाज बदल दिया है। अभी जो हमारे सतत शिक्षा योजना के जो स्कीम है वो हमारे एडीसी सर को मोमेंटो भेंट करेंगे, तो प्लीज वो आए और मोमेंटो लें। यहाँ 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 है, ये रहा इस सर के पास है।
इसके साइन हो गए अंदर आजा बाहर के Thank you.